हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र आई सर्जरीज के बारे में जो यूज़ होती हैं हमारे स्पेक्स का नंबर उतारने के लिए। दोस्तों, इसमें सबसे टाइम टेस्टेड और कॉमनली परफॉर्म्ड एंड बजट फ्रेंडली प्रोसीजर जो है वो है लेसिक लेज़र। ये बहुत कॉमन नेम है और हम सब जानते हैं कि लेसिक लेज़र हमारे स्पेक्स का नंबर उतारने के लिए यूज़ की जाती है। इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। एक फ्लैप क्रिएशन, फ्लैप क्रिएशन का मतलब है कि जो हमारी कॉर्निया है उसकी हम ऊपर की स्किन एक थिक फ्लैप की तरह, किताब के पेज की तरह उठा देते हैं और बेड पे लेज़र कर देते हैं, जिससे कॉर्निया की रीशेपिंग हो जाती है और हमारे चश्मे का नंबर उतर जाता है। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है माइक्रोकेराटोम जो फ्लैप उठाने के काम आता है। उस माइक्रोकेराटोम के हैंडल में एक बहुत ही फाइन ब्लेड लगता है, हैंडल को हम कॉर्निया के ऊपर रख देते हैं और एक स्विच प्रेस कर देते हैं, जिससे माइक्रोकेराटोम का वो हैंडल एक थिक परत उसकी कॉर्निया की उठा देता है। तो इसे हम नॉर्मली विद ब्लेड लेसिक कहते हैं। ये लेसिक प्रोसीजर थिक कॉर्नियास के लिए बहुत ही प्रूवन टेक्नोलॉजी है और बजट फ्रेंडली भी है। अब लेसिक के बाद इसकी जो एडवांसमेंट, नेक्स्ट एडवांसमेंट आई है वो है कस्टमाइज्ड लेसिक। कस्टमाइज्ड लेसिक जो स्पेक्टिकल का नंबर है वो तो उतारती ही है, साथ में हमारे कॉर्निया में जो बहुत ही फाइन इररेगुलरिटीज़ हैं उन इररेगुलरिटीज़ को भी रिमूव कर देती है और एक बहुत ही स्मूथ और राउंड कॉर्निया हमें देती है। तो इन इररेगुलरिटीज़ को हम एब्रेशंस बोलते हैं। तो जो एब्रेशंस भी रिमूव कर देती है और स्पेक्टिकल का नंबर भी रिमूव कर देती है, उसे हम कस्टमाइज्ड लेसिक बोलते हैं। अब कस्टमाइज्ड लेसिक की जो फर्दर एडवांसमेंट है उसे हम ब्लेड फ्री लेज़र या फेम्टो लेज़र प्रोसीजर बोलते हैं। बेसिकली फेम्टो लेज़र प्रोसीजर लेसिक प्रोसीजर ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो कॉर्निया का फ्लैप रेज करने के लिए मशीन यूज़ होती है जिसको माइक्रोकेराटोम बोलते हैं, फेम्टो लेज़र में वो फ्लैप भी एक तरह की लेज़र से, जिसको फेम्टो लेज़र कहा जाता है, उससे वो फ्लैप रेज किया जाता है और कोई भी इसमें ब्लेड नहीं यूज़ होता। तो दिस इज़ एन ऑल लेज़र प्रोसीजर। ये नॉर्मल लेसिक प्रोसीजर से थोड़ा कॉस्टली होता है, बट ये भी स्पेक्टिकल रिमूवर के लिए बहुत ही टाइम टेस्टेड टेक्निक है। तो ब्लेड फ्री लेज़र आजकल सबसे कॉमनली परफॉर्म लेज़र है और ये ऑलमोस्ट 90% लेज़र प्रोसीजर्स के लिए फिट बैठता है। अब जो बहुत थिन कॉर्नियाज हैं उनके लिए जो लेज़र प्रोसीजर यूज़ होता है उसको बोलते हैं PRK। PRK में क्या करते हैं कि हम कोई फ्लैप नहीं रेज करते, इसमें सिर्फ कॉर्निया की एक बहुत ही ऊपर की जो पतली लेयर होती है, हम एक मशीन से सिर्फ उस लेयर को उतार देते हैं और जो एक्सपोज्ड बेड है उस पर लेज़र कर देते हैं और उसके ऊपर हम लोग एक कॉन्टैक्ट लेंस रख देते हैं। अब PRK किन पेशेंट्स के लिए फिट है और किन पेशेंट्स के लिए लेसिक फिट है? तो जो तो कॉर्नियाज थिक होते हैं उनमें तो हम लोग लेसिक प्रोसीजर करते हैं, मगर थिन कॉर्नियाज जिसमें हम लोग फ्लैप नहीं रेज करते उनके लिए PRK बेस्ट प्रोसीजर है। PRK प्रोसीजर का एक जो माइनर साइड इफ़ेक्ट है कि PRK प्रोसीजर में जो हीलिंग है वो कम से कम 4-5 दिन ले जाती है, क्योंकि जो ऊपर की परत हम उतार देते हैं वो कम्प्लीटली वापस आने में 4-5 दिन लग सकते हैं और उसके बाद जो फाइनर विजन है वो इम्प्रूव होने में 3-4 हफ्ते लग जाते हैं। बट थिनर कॉर्नियाज में कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से हमें उन आईज पे PRK ही परफॉर्म करना होता है। अब एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है जिसे हम बोलते हैं स्माइल। स्माइल लेजर का एडवांटेज क्या है कि कॉर्निया का कोई फ्लैप नहीं रेज करना पड़ता। तो जो फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लेसिक प्रोसीजर में होती थी, स्माइल में वैसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये भी ऑल लेज़र प्रोसीजर है और इसमें कोई फ्लैप भी नहीं क्रिएट किया जाता। स्माइल में क्या होता है कि कॉर्निया का एक लेंस शेप्ड डिस्क, कॉर्निया के स्ट्रोमा की बीच की लेयर की एक लेंस शेप्ड डिस्क सेपरेट कर दी जाती है
और एक माइक्रो इंसीजन से जो कि लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है कॉर्निया की साइड में, वो इंसीजन से वो लेंटिक्यूल सारे का सारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कॉर्निया की रीशेपिंग हो जाती है और चश्मे का नंबर उतर जाता है। ये हार्डली 3 to 4 मिनट्स का प्रोसीजर है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। और क्योंकि इसमें कोई फ्लैप नहीं बनता तो इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं। बट स्माइल कंपैरेटिवली अभी न्यूअर टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही छोटे नंबर के लिए और बहुत ही हाई सिलेंडर्स के लिए यूज़ नहीं की जाती। इसके अलावा स्माइल का एक जो हल्का सा ड्रॉबैक है वो ये भी है कि अगर स्माइल प्रोसीजर के बाद कोई नंबर रह जाए तो हम उसे रिमूव करने के लिए हमें दोबारा लेसिक के ऊपर या पीआरके के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हम स्माइल दोबारा नहीं कर सकते, वो छोटा सा नंबर जो रह गया है उसे रिमूव करने के लिए। मगर इसके मुकाबले जो स्माइल के एडवांटेजेस हैं, ये बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है, बहुत नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स है, फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, इसमें ड्राई आई होने के चांसेस बहुत कम हैं और जो विजुअल रिकवरी है पेशेंट ऑलमोस्ट इमिडिएटली अपने काम पे जा सकता है। दोस्तों, जो ये लेज़र आई प्रोसीजर्स हैं ये मोस्टली यंग पेशेंट्स में किए जाते हैं जो 15 से लेके 35 साल के होते हैं। मगर बहुत सारे मरीज़ अब हमारे पास ऐसे आते हैं जो 40 साल के ऊपर के हैं और जो अपना नज़दीक का चश्मा उतारना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नज़दीक का चश्मा उतारने के लिए भी अब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम लेके आए हैं, जिसे प्रेस बायोन के नाम से जाना जाता है या LBV लेज़र ब्लेंडेड विजन के नाम से जाना जाता है। प्रेस बायोन भी एक तरह की लेज़र विजन करेक्शन है जिसमें एक डोमिनेंट आई को दूर के लिए और नॉन डोमिनेंट आई को नज़दीक के लिए ब्लेंडेड मोनोविजन के हिसाब से उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि हमारी डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाती है और हम दूर भी देख पाते हैं और नज़दीक भी देख पाते हैं। दोस्तों, प्रेस बायोन की डिटेल में जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेज़र आई सर्जरीज की टेक्निक्स के बारे में हमने बात की है, इसको लेके अब आप डिटेल में समझ पाएंगे कि आपकी आँख को किस आई सर्जरी की ज़रूरत है। और सभी एज ग्रुप के लिए सभी तरह की लेज़र प्रोसीजर्स हमारे शहर पटियाला में अब हम लोग ये सभी टेक्नोलॉजी लेके आए हुए हैं। धन्यवाद।